2014 के आम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। घोषणा पत्र में सबसे ऊपर महंगाई का जिक्र। पार्टी का वादा, सत्ता में आने पर महंगाई को काबू में करेंगे। घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार पर भी लगाम कसने की बात। संविधान के तहत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का वादा। बीजेपी के घोषणा पत्र में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी नहीं, देश के हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का वादा। बीजेपी का वादा, सत्ता में आने पर देश के हर राज्य में एम्स की स्थापना, देश में गैस ग्रिड बनाने की भी योजना। और हर स्टेट में एक एम्स इस तरह से वहां बनाई जाए, ये हमारा इसमें घोषणा पत्र में संदेश है। एक तो देश भर में गैस ग्रिड की स्थापना करना, एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर गांव में, जिससे कि लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकें। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया वादा, सत्ता में आने पर देश के हर गांव को मिलेगा पीने का पानी, सरकारी अस्पतालों का होगा आधुनिकीकरण। घोषणा पत्र में बीजेपी का शिक्षा पर खास जोर, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए देश में ई लाइब्रेरी की स्थापना। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नई हेल्थ पॉलिसी बनाने की कही बात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी बनेगी नई पॉलिसी। बीजेपी के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को समान अवसर देने की बात, उर्दू के विस्तार की योजना, मदरसों का आधुनिकीकरण होगा। बीजेपी ने देश भर में हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क बनाने का किया वादा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 नए टूरिस्ट सर्किट। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी, आडवाणी, राजनाथ और सुषमा भी मौजूद। बीजेपी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिया नारा, मोदी ने कहा हमारे लिए दो अहम मुद्दे, सुशासन और विकास। हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा रास्ता है सबका साथ सबका विकास, इस कार्य संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने घोषणा पत्र को बताया अभूतपूर्व, कहा इसमें कहीं दोष निकालना मुश्किल। पिछले के सहयोग से उसके बारे में भी मैं कह सकता हूं कि सर्वथा अभूतपूर्व है। बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर को शामिल करने की बात पर कांग्रेस समेत कई दलों ने बोला हमला, बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। सोलहवीं लोकसभा चुनाव के लिए असम की 5 और त्रिपुरा की 1 सीट के लिए वोटिंग जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। असम में तेजपुर, कालियाबोर, जोरहट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में डाले जा रहे हैं वोट, पहले चरण में 51 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। कालियाबोर से असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई मैदान में, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीके हांडिक जोरहट से लड़ रहे हैं चुनाव। पिछली बार 2009 में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का था कब्जा, 1 सीट असम गण परिषद के हिस्से।
पहले चरण में त्रिपुरा पश्चिम सीट के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। इस सीट के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में।